नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से एक अंधेरी रात में कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों को मिलने वाला है जो आपके चार कामों को पूरा करने वाला है। बस ज़रूरत है तो केवल इस बात की कि आप उस व्यक्ति को पहचान पाते हैं या फिर नहीं। वह कोई भी हो सकता है, आपका सगा संबंधी या फिर कोई आपका दुश्मन भी, जो आज आपका भला करने के लिए आपके सामने आ सकता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहरूपीय भी इस रूप में आप लोगों के सामने आ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को तितर बितर यानी कि बर्बाद करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप लोगों के साथ में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब भी आपने कुछ अच्छा करने की, कुछ बढ़िया करने की कोशिश की है, तो कुछ लोग आपके व्यवसाय में अड़ंगा डालकर उस कार्य को पूरी तरह से बर्बाद करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। कुछ ऐसी ही स्थितियां आप लोगों के साथ में उत्पन्न होती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे, एक बड़ा चमत्कार होगा, पर क्या होगा और कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपने ये बात तो सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी के माध्यम से हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ खोना ही पड़े। दोस्तों, यदि आप कुछ खोना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अपने कर्म की और प्रगति की वजह से ऊंचाइयों को छू सकें। दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दूं कि जिस जहां पर आप रहते हैं, वहां के लोग आप लोगों को बर्बाद करने की ठान चुके हैं। यदि आप इन लोगों से बचना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कुछ खास विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके काली माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग माँ लक्ष्मी से प्रेम करते हैं, वे जय माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम जानते हैं आपकी कुछ खास वार्तालाप बातों के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए ये दो दिन बड़े शुभ रह सकते हैं। बताएंगे सारी जानकारी आज के इस वीडियो में, इसे गलती से भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जो लोग माँ काली लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सबसे पहले आपकी इन 48 घंटों में कुछ खास सावधानियों के बारे में। पारिक माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जिससे दोस्तों आप लोगों का भी मन खिन्न रहने वाला है। दोस्तों, घर में अब शांति और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। न्यू कहें तो दोस्तों, घर स्वर्ग जैसा बनने वाला है। भाई बहन का रिश्ता और ज़्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, भाई बहन की अगर हर घर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ इस तरह के कार्य होने वाले हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ की प्राप्ति अब होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत दिनों से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, अब वे यात्रा करने का भी समय आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में, जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों, आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में ज़रूर जाएं, उनकी पूजा और आरती ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं, वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं।
क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यही तक कि दोस्तों अपना कार्य काफी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही आप भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है। किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें। इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है, तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधू की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफ़ी अच्छे से व्यतीत हों, और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।